दोस्तों आज हम बात करेंगे जयपुर के दूसरे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन गांधीनगर की। गांधीनगर रेलवे स्टेशन दिल्ली जयपुर लाइन पर स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जयपुर डिवीजन में स्थित है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर दो ही प्लेटफॉर्म है, फिर भी यह रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन के काफी लोड को कम करता है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन की खासियत है कि यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे पूरी तरह महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसीलिए इस रेलवे स्टेशन का दूसरा नाम पिंक सिटी का पिंक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से आप छोटी और मध्यम दूरी की काफी सारी ट्रेन को पकड़ सकते हैं और यहाँ पर दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी रुकती हैं। इस रेलवे स्टेशन पर कुल 82 ट्रेन को स्टॉप दिया गया है, हालांकि कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती। अभी वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भविष्य में और भी ज्यादा ट्रेन को इस स्टेशन पर लाया जा सके। इस रेलवे स्टेशन पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि किसी महानगर के रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए, जैसे डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन, पार्किंग, एस्केलेटर, वेटिंग हॉल्स। दोस्तों आप जब भी इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ें तो केवल गांधीनगर ना सर्च करें बल्कि गांधीनगर जयपुर सर्च करें, क्योंकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर के रेलवे स्टेशन का नाम भी यही है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री स्टूडेंट और जॉब करने वाले ही होते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप जयपुर के प्रसिद्ध जलधारा उद्यान में घूमने जा सकते हैं जो कि अपने झरनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर अमर जवान ज्योति भी स्थित है जो कि भारत पाकिस्तान की युद्धों में भारत की ओर से शहीद हुए जवानों की याद में बनाया गया है। इसीलिए दोस्तों कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। गांधीनगर से ही कुछ दूरी पर पर्यावरण प्रेमियों के लिए झालना लिपट सफारी भी स्थित है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप कब जयपुर के इस पार्ट में घूमने आ रहे हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो।